अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट को एचएवी एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट को एंटी एचएवी भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है। हेपेटाइटिस ए दरअसल में एक वायरल इन्फेक्शन है जिगर का, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 7 हफ्ते होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब है कि जब ये वायरस जिस्म के अंदर आता है तो 4 से 7 हफ्ते का टाइम लगता है कि इसके अलामात जो हैं वो मरीज़ में आना शुरू हो जाएं। हेपेटाइटिस ए एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत कम मुद्दत के लिए लोगों के जिस्म में रहता है, जिन्हें हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हफ्तों के लिए ये इन्फेक्शन, ये बीमारी रहती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये इन्फेक्शन महीनों पर चला जाता है और महीनों तक रहता है उनके खून में और उनके जिस्म में। जिस मरीज़ को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन या बीमारी हो जाती है तो ऐसे मरीज़ हेपेटाइटिस ए वायरस को अपने बड़े पेशाब में खारिज करते हैं। बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए है तो इसकी वजह क्या चीज़ बनती है और ये बीमारी किस वजह से होती है। तो हेपेटाइटिस ए का जो इन्फेक्शन है इसकी वजह एक वायरस है और उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन में अलामत क्या होती हैं मरीज़ के जिस्म में। तो जो सबसे पहली अलामत होती है उसमें जो मरीज़ का स्किन या जिल्द होती है तो वो जर्द रंग की हो जाती है, और जो आँखें हैं और आँखों का जो वाइट होता है तो वो जर्द रंग में तब्दील हो जाता है, और इस हालत को जैंडिस भी कहा जाता है। इसके अलावा मरीज़ का जो छोटा पेशाब होता है तो उसका रंग भी गहरा जर्द हो जाता है। मरीज़ को पेट का दर्द रहता है मैदे की रीजन में, और इसके अलावा जो बड़ा पेशाब होता है तो उसका रंग भी गहरा जर्द हो जाता है। मरीज़ थकता बहुत है, मरीज़ को बुखार रहता है, मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ का पेट ख़राब रहता है, पूरे जिस्म के मसल्स में दर्द होता है, जिल्द में ख़ारिश रहती है, और मरीज़ को मतली और जो खे है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी बात करते हैं कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल कैसे होता है। तो अगर ऐसा पानी पिया जाए जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या ऐसा खाना खाया जाए जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस शामिल हो तो उस खाने से भी ये मुंतकिल हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अगर एनल और जो ओरल सेक्स है ये किया जाए तो उसकी वजह से भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये वायरस मरीज़ के बड़े पेशाब में खारिज होता है, तो अगर ये पेशाब कहीं जाकर पानी को गंदा करता है या खाने वाली चीज़ों को जैसे सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गई उसको गंदा करता है, और अगर उन सब्जियों को, उन फ्रूट्स को अच्छी तरह से ना धोया जाए, अच्छी तरह से ना पकाया जाए, तो एक सेहतमंद बंदे में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है और उन्हें भी हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी टेस्ट है तो इसकी तशखीसी अहमियत क्या है। इस टेस्ट की मदद से हम ताज़ा और फ्रेश इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, और ऐसे मरीज़ों में आईजीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी, और अगर आईजीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी ऐसी मरीज़ों में तो हमें पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन रिसेंट है, ताज़ा है। इस टेस्ट की मदद से हम ऐसे मरीज़ों का पता भी लगा सकते हैं जिन्हें माजी में ये इन्फेक्शन हुआ था, तो ऐसे मरीज़ों में फिर आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव आती है, जिसका मतलब होता है कि ये लोग पहले से ही ये इन्फेक्शन गुजार चुके हैं और ये लोग रिकवर हो चुके हैं, ये ठीक हो चुके हैं, इसलिए इनमें कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एक सेहतमंद बंदे ने वैक्सीन की है तो वो वैक्सीन मुअस्सर है या नहीं, उसने अपना काम दिखाया है या नहीं, क्योंकि जो लोग वैक्सीन कर लेते हैं तो उनके खून में इस वायरस के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडी पैदा हो जाती है जिसे आईजीजी एंटीबॉडी कहा जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी टेस्ट में आईजीजी की एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो इससे पता चलेगा कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है, इसने वैक्सीन किया है, और स्पेशली जो बंदा ये देखना चाहता है कि मेरी वैक्सीन कामयाब है या नहीं हुई तो वो ये टेस्ट कर सकता है। तो अगर आईजीजी पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब होगा कि वैक्सीनेशन कामयाब हुई है। अभी बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी टेस्ट में क्या तशखीसी टेस्ट किए जाते हैं लेबॉरटरीज में। तो जो पहले नंबर पर टेस्ट है उसे कहा जाता है ब्लड आईजीएम एंड आईजीजी।
बाय रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट में एक कैसेट यूज़ की जाती है, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें IgM की कैसेट भी अवेलेबल होती है और इसके अलावा IgG की कैसेट और IgM दोनों की एक साथ भी कैसेट अवेलेबल होती है। IgM से हमें रिसेंट इन्फेक्शन का पता चलेगा और IgG अगर पॉजिटिव आएगा तो इससे पता चलेगा कि या तो मरीज ने वैक्सीन किया हुआ है या मरीज जो है वो रिकवर हो चुका है। इसके अलावा जो ELISA का मेथड है तो उस पर भी हम पेशेंट के ब्लड में IgM और IgG के एंटीबॉडी की डिटेक्शन कर सकते हैं। और ELISA में भी IgM के लिए अलग किट होती है और IgG के लिए अलग किट होती है। IgM पॉजिटिव आएगा तो पता चलेगा कि यह रिसेंट इंफेक्शन है और यह मरीज को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर IgG पॉजिटिव आएगा तो इससे पता चलेगा कि मरीज में जो इंफेक्शन है वो माजी में था, गुजर चुका है, मरीज ठीक हो चुका है या फिर मरीज ने वैक्सीन की हुई है और उसके नतीजे में इसके खून में जो IgG एंटीबॉडी है तो वो वायरस के खिलाफ मौजूद है। अभी बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी टेस्ट के लिए खून का नमूना किस बोतल में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में या फिर जेल वाली ट्यूब में। इस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम को निकालेंगे और फिर ELISA पर या रैपिड ICT टेक्निक जिसे कहते हैं उस पर हम टेस्ट को रन करेंगे और IgM और IgG एंटीबॉडी की डिटेक्शन करेंगे। अभी बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के लिए इलाज क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के लिए कोई ख़ास इलाज दस्तयाब नहीं है। मरीज का जो जिगर होता है वो ठीक होने में कई हफ्ते या कई महीने उसमें लग जाते हैं लेकिन ठीक हो जाता है। और मरीज़ को आपने ये मशवरा देना होता है कि वो अच्छे से आराम करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स का, पानी का और जूसेस का इस्तेमाल करे तो कुछ हफ़्तों में, कुछ महीनों में जो जिगर है वो खुद ब खुद नॉर्मल होने लग जाएगा। बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए से हम खुद को कैसे रोक सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत मुअस्सर वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो अगर वैक्सीन की जाए तो उससे हमें हिफाजत मिल सकती है और फिर ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी को अच्छी तरह से उबाल कर पिएं। ये जो बोतल का पानी मिलता है बाज़ार में जो कि मिनरल वाटर होता है और साफ़ होता है हर किस्म के जरासीमों से, तो इस तरह का पानी इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल किया जाए। और ख़ासकर जो मरीज़ है हेपेटाइटिस ए का, अगर घर में है या दोस्तों में कोई है तो उसे ये मशवरा देना चाहिए, उसे ये बताना चाहिए कि जब भी वो वॉशरूम अटेंड करके आए या वैसे ही रूटीन में वो अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोया करे, क्योंकि अगर वो उन हाथों से किसी को पानी पिलाएगा, खाना बना कर देगा तो जो सेहतमंद लोग हैं उनमें फिर इन्फेक्शन जो है वो मुंतकिल कर सकता है। तो इसलिए हाथ का जो धोना है तो वो मुसलसल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।